आज हम बात करेंगे लाइफस्टाइल चेंजेस जो अगर आप अपने 20s में पहुंच रहे हो तो आपको हेल्दी स्किन और हेल्दी बालों के लिए मदद करेंगी। जैसे कि हम सब जानते हैं, न्यूट्रिशियस एंड बैलेंस्ड डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हेल्दी स्किन एंड हेयर। जब आपकी डाइट में अच्छे अमाउंट में प्रोटीन, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, दालें, ये सब चीज़ें होती है तो आपका डाइट काफ़ी बैलेंस्ड होता है और आपके शरीर में काफ़ी हद तक न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज कंट्रोल हो जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो हाइड्रेशन। डेली 3 to 4 लीटर ऑफ वाटर इनटेक, ये बहुत ही ज़रूरी है सो दैट आपकी स्किन हमेशा ग्लोइंग रहे और बाल स्ट्रांग रहे। नेक्स्ट इज रेगुलर एक्सरसाइजिंग। एक्सरसाइज जब हम रेगुलरली करते हैं तो ना कि सिर्फ हमारी हेल्थ अच्छी रहती है, हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, स्किन ग्लोइंग हो जाती है, बालों में भी सर्कुलेशन अच्छा होता है, स्ट्रेस लेवल कम होती है और स्किन और हेयर दोनों ही काफ़ी बेहतर होते हैं। नेक्स्ट चीज़ है एडिक्वेट स्लीप। अगर आप रात में कम से कम 7 से 8 घंटे अच्छी नींद सो रहे हैं तो इससे ओवरऑल आपके स्ट्रेस लेवल्स कम होते हैं, बॉडी को रिजनरेट होने का टाइम मिलता है और जनरल हेल्थ, बाल, स्किन सब में ही इम्प्रूवमेंट आता है। इन 20s जो आप नेक्स्ट चीज स्टार्ट कर सकते हैं वो है अच्छा स्किन केयर रूटीन। अगर आप रेगुलरली स्किन के लिए क्लीनिंग, मॉइस्चराइजिंग एंड टोनिंग ये स्टार्ट करते हैं और साथ ही साथ सनस्क्रीन यूज करना शुरू करते हैं तो डेफिनेटली आपकी स्किन में लॉन्ग टर्म तक एजिंग प्रिवेंट की जा सकती है और आपकी स्किन क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी रहेगी। इसी तरह अगर आप अपने 20s में अगर हेयर केयर रूटीन स्टार्ट करते हैं, जैसे कि अपने बालों को अच्छे से वॉश करना, कंडीशन करना और हार्श केमिकल का यूज़ कम से कम करेंगे तो इन सब चीज़ों से भी बाल हेल्दी रहने में मदद होती है। हेल्दी स्किन और बालों के लिए जो नेक्स्ट चीज़ आप कर सकते हैं वो है अपनी लाइफ में अल्कोहल और टोमेटो का इंटेक कम से कम रखें। इसी तरह एक्सेसिव स्किन और हेयर केयर प्रोडक्ट से भी बचें। हमेशा ऐसे प्रोडक्ट चुनें जो कि जेंटल हो, इफेक्टिव हो और यूजुअली जो आपकी स्किन और हेयर को काफ़ी सूट करते हो। एक जो लास्ट चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि बहुत ज़्यादा हीट ट्रीटमेंट अपने बालों के लिए अवॉइड करें, जैसे कि स्ट्रेटनिंग करना, कर्लिंग करना या बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे ब्लो ड्राई करना, इन सब चीज़ों से बालों की हेल्थ काफ़ी अफेक्ट होती है। तो इन सब चीज़ों को कम से कम अपने शेड्यूल में यूज़ करें और अगर आप इन बेसिक चीज़ों का ध्यान रखें तो आपकी स्किन और आपके बाल डेफिनेटली काफ़ी अच्छे और हेल्दी रहेंगे। थैंक यू।